सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास खुदा की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका और कयामत में उसका मामला खुदा के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोजखी हैं कि हमेशा दोजख में जलते रहेंगे। खुदा सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है, और खुदा किसी नाशुक्रे गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और जकात देते रहे, उनको उनके कामों का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा, और कयामत के दिन उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनो, खुदा से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। अगर ऐसा न करोगे तो खबरदार हो जाओ कि तुम खुदा और रसूल से जंग करने के लिए तैयार होते हो। और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असली रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्त हो तो उसे कशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो, और अगर जरे कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि समझो। और उस दिन से डरो जबकि तुम खुदा के हुजूर में लौट कर जाओगे, और हर शख्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मामला करने लगो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा खुदा ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे, और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए, और खुदा से कि उसका मालिक है खौफ करे, और जरे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला बेअक्ल या जईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी, और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में काहिली न करना, ये बात खुदा के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है, इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो, तो अगर ऐसे मामले की दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और जब खरीदो फरोख्त किया करो तो भी गवाह कर लिया करो, और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करे। अगर तुम लोग ऐसा करो तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात है, और खुदा से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और खुदा हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर कोई किसी को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और खुदा से जो उसका परवरदिगार है डरे। और देखना, शहादत को मत छुपाना, जो इसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मगफरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और खुदा हर चीज पर कादिर है। रसूल उस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और मोमिन भी सब खुदा पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो खुदा से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजिए। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना हमारे सर पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे, और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मालिक है, और हमको काफिरों पर गालिब कर।